देखिए बच्चों, करंट अफेयर पीडीएम में आज का जो पहला पॉइंट है, जहां लास्ट रुके थे उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। हैंड डालिए, सी प्लेन सेवा, सी प्लेन सर्विस। सी प्लेन सेवा, सी प्लेन सर्विस, इसमें लिखेगा दो तीन लाइन। 31 अक्टूबर 2020 को ऑन 31 अक्टूबर 2020, 31 अक्टूबर 2020 को भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, भारत में पहली बार व्यावसायिक सी प्लेन सेवा शुरू किया गया। कॉमर्शियल सी प्लेन सर्विस वाज स्टार्टेड, व्यावसायिक सी प्लेन सेवा शुरू की गई। कॉमर्शियल सी प्लेन सर्विस वाज स्टार्टेड। यह सेवा, दिस सर्विस, गुजरात से अहमदाबाद के बीच में है, इस बिटवीन ऑफ गुजरात एंड अहमदाबाद, गुजरात से अहमदाबाद के बीच में है। ब्रैकेट में लिखना इसके आगे, केवड़िया से साबरमती, फ्रॉम केवड़िया टू साबरमती। केवड़िया से साबरमती, बस इस हेडिंग में नहीं है, ये काम की चीजें हैं। तो लास्ट जो मैंने पीरियड में आपको पॉइंट बताया था वो क्या था, क्या था, यूनिटी डे, जो हर साल का मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस। ठीक, तो 31 अक्टूबर को 2020 को भारत में पहली सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की गई थी मोदी जी के द्वारा। कॉमर्शियल का मतलब व्यापारिक स्तर पर। तो जैसा आप जानते हैं, केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। और अहमदाबाद कहाँ? साबरमती कहाँ है? अहमदाबाद। तो इन दोनों के बीच में स्टार्ट किया गया है ताकि जो टूरिस्ट लोग आ रहे हैं देखने के लिए उस स्टैचू को, उनके लिए सी प्लेन सर्विस है, समुद्र के ऊपर जो प्लेन होता है लाइट वेट में, वो सर्विस है जो पहली बार इंडिया में शुरू की गई। बात समझ में आई आपको? ठीक, तो डेट तो वही है 31 अक्टूबर 2020, इंडिया की जो भी फर्स्ट है इसलिए बोल रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट हेड डालिएगा, PMKVY, PMKVY, इसका जो पूरा नाम होगा वो हिंदी में ही है, और हिंदी में ही आपको लिखना पड़ेगा। बताओ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके अंदर लिखिएगा, यह योजना, दिस प्लान, NSDC की तरफ से है, इज फ्रॉम NSDC। यह योजना NSDC की तरफ से है। ब्रैकेट में इसका पूरा नाम लिखिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, बोल के बताओ जरा। निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। आपको दोनों भाषाओं पे कमांड करनी है, आप भले ही चाहे इंग्लिश माध्यम के हो या हिंदी माध्यम के, कोई भी ऐसा वर्ड ना हो जो हिंदी में आपको ना पता हो या इंग्लिश में आपको ना पता हो, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है। तो इसके लिए क्या बोला हमने, कौशल डेवलपमेंट का जानते ही, विकास कॉरपोरेशन बोलते हैं निगम, ठीक, NSDC। तो ये जो योजना है ये इसके अंतर्गत काम करती है, इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है, इस कॉरपोरेशन के अंदर काम करती है। कॉरपोरेशन जो निगम होता है उसके अंदर बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उनमें से ये भी इसके अंदर है। अभी तो हमने ये लिखा, आगे लिखेगा प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर 15 जुलाई को ऑन 15 जुलाई, प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व कौशल युवा दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे इज सेलिब्रेटेड 2015 में, इन 2015 PMKVY 1.0 शुरू की गई, PMKVY 1.0 वाज स्टार्टेड। PMKVY 1.0 शुरू की गई, PMKVY 2.0 शुरू की गई, PMKVY 2.0 वाज स्टार्टेड। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस 2020 तक, अप टू 2020, 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 करोड़ यूथ वर ट्रेंड, 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट लाइन, 15 जनवरी 2021 को ऑन 15 जनवरी 2021 15 जनवरी 2021 को PMKVY 3.0 शुरू हुई, PMKVY 3.0 वाज स्टार्टेड। ब्रैकेट में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज, 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश, ब्रैकेट बंद, कुल 717 जिले, टोटल 717 डिस्ट्रिक्ट्स, कुल 717 जिले। सीआरडी में नेक्स्ट लाइन में, इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस
8 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, 8 लाख यूथ वर ट्रेन्ड। इस योजना के लिए फॉर दिस प्लान केंद्र तथा राज्य सरकार में बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र तथा राज्य सरकार में 75:25 का अनुपात है, रेशो इज ऑफ 75:25, 75:25 का अनुपात है। आइए इधर देखिए, हेडिंग है हमारा PMKVY, हम क्या बताइए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो सबसे पहले 1.0 में तो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है, तो कौन से समय किया गया, 2015 में किया गया। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आपको पता भी है कि मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने थे कौन से समय बने थे, 2014 में बने थे, डेट भी बताई थी 26 मई 2014 में बने थे। जब मैं आपको समझा रहा था नीति आयोग, ये 1 जनवरी 2015 को नीति शुरू हो गया था, नीति की फुलफॉर्म क्या बताई थी, उस दिन भी आपको याद थी, आज भी शायद आपको याद है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये भाई 2015 में शुरू हुई 1.0, फिर PMKVY जो है 2016 में शुरू की गई। अब इसमें है क्या, तो इसमें 2020 तक, इसके अनुसार की बात हो रही है अभी, 2020 तक जो जा चुका है, ये लक्ष्य था कि 1 करोड़ जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये अचीव भी हो चुका है। उसके बाद अब कोई हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अब क्या चल रहा है 2021, लेटेस्ट न्यूज हमारे लिए भी है, इसलिए मैंने इसी डेट भी लिखवा ली है, यहाँ मैंने डेट नहीं लिखवा ली है, 15 जनवरी 2021 को PMKVY 3.0 शुरू हुआ, ठीक। इसमें जो कमी रह गई है 2.0 में, वो इसमें पूरी की जाएंगी, प्लस थोड़ा सा उसे और बढ़ाया है, इसमें कितने लाख लोगों को, 8 लाख लोगों को और बढ़ा दिए गए हैं कि उन्हें ट्रेन किया जाएगा। और पूरे भारतवर्ष के लिए है, कोई भी राज्य या कोई भी यूटी छूटा नहीं है, जिसमें लिखवाया 2800 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी लिए गए हैं और उनमें से छांटे गए हैं 717 जिले, जहां सबसे पहले इन्हें सर्विस दी जाएगी, इनके लिए योजना बनाई गई है। और जितना भी पैसा लगेगा उसमें 75:25 का अनुपात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो देगी 75:25 में, और जिस स्टेट में वो काम होगा स्टेट गवर्नमेंट देगी 25:25 में, इस चीज को पूरा करने के लिए, ठीक। तो कोई हमसे अगर पूछता है कि PMKVY क्या है, तो हमें कुछ इस तरह से बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो इसका पूरा नाम है, सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किया गया था इसे भारत में 2015 में किया गया था, जिसे 1.0 से हमने संबोधित किया। इस योजना के अंतर्गत जो ट्रेंड हैं, पढ़े लिखे हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, है ना, जैसे बहुत सारे क्या होते हैं, मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, तो उन्हें उनके रोजगार के लिए ट्रेंड किया जाएगा, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो उनके पास हैं लेकिन स्किल डेवलपमेंट नहीं है, तो उन्हें रोजगार देने के लिए ट्रेंड किया जाएगा, ताकि उन्हें रोजगार मिलने में सहूलियत मिल सके, ठीक। फिर 2.0 शुरू किया गया 2016 में, और इसमें सबसे बहुत बड़ी संख्या आई, 1 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी ऐसा कहा गया। और फिर अब 2021 में बात है पहले महीने की, 15 जनवरी 3.0 लॉन्च हुआ, 8 लाख और संख्या बढ़ा दी गई, जो 2.0 में कमियां थी उन्हें पूरा किया गया, और अब पूरे देश में इसमें से 717 जिले छाटे गए हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि इस रेशो में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, तो जो काम की बात थी वो मैंने आपको सब बता दी। अगला हेड आ रही है कोची मंगलुरु पाइपलाइन, कोची मंगलोर पाइपलाइन।
कोची मंगलोर पाइप लाइन। ये आप ये समझ लो करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज होती है जो आपके ज्योग्राफी को लेकर और जो भारत की सामान्य जानकारी होती है ना उसे भी कवर करने चलता है अपना भी, क्योंकि जो भी चीज होगी जो भी शब्द आएगा उसे फिर डिफाइन तो करना ही है ना। अब जैसे ये है ये ज्योग्राफी का टेस्ट लेकर आया, आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ये कभी। जब ये शब्द आता है पाइपलाइन तो ये प्राकृतिक गैस के लिए आता है मोस्टली नेचुरल गैस के लिए। अब नेचुरल गैस मान लिया किसी एक जगह डेवलप हो रही है, लेकिन एक जगह डेवलप हो गया उसे कोई ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई उसे ट्रक में ढोढो के पहुंचा रहे हैं दूसरी जगह, है ना। तो पाइपलाइन चाहिए और बीच में बहुत सारे राज्य हैं तो सभी राज्यों को सहूलियत देनी होती है, तो उस पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाई जाती है। अब जो हमें क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, भारत की पहली गैस पाइपलाइन कौन सी है? पढ़ रखा है भूल गए हो याद ना आया, उसका नाम है HBJ। क्या नाम है? HBJ। ये जो HBJ है ये कुछ और नहीं है तीन स्थानों के नाम है और मैं भी लिखवाऊंगा ठीक। उसकी कितनी लंबाई थी? लगभग 1750 किलोमीटर के आसपास थी। ये भारत की पहली जो ज्योग्राफी क्वेश्चन है। अब करंट में इसलिए आया है कोची हम जानते हैं कहाँ है, केरल। मंगलुरु की मैं बात अभी रोज करते रहता हूँ कहाँ है, कर्नाटक। और अगर हम इंडिया मैप को देखें तो आपको पता चल जाएगा बात कहाँ की हो रही है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया की हो रही है, पश्चिमी क्षेत्र की बात हो रही है ठीक है। केरल से कर्नाटक तक पाइपलाइन ये बिछाई गई। जरूरत क्या हो मैंने आपको सब बता दिया, प्राकृतिक गैस के लिए नेचुरल गैस के लिए। CNG का मतलब तो जानते ही होंगे क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये तो हो गया हैंडी के मायने हो गए। अब पहले इसमें लिखो, वो भी लिखवाता हूँ HBJ भी और फिर से समझाता हूँ। भारत में सबसे पहले एट फर्स्ट इन इंडिया उन्नीस सौ सतासी में पहली अंतरराज्य पाइपलाइन शुरू की गई, फर्स्ट इंटर स्टेट पाइपलाइन सर्विस वाज स्टार्टेड। पहली अंतरराज्य पाइपलाइन सेवा शुरू की गई। इसका नाम इट्स नेम HBJ है, इज HBJ ब्रैकेट में हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। दूसरे ब्रैकेट में वो भी बता दो। दूसरे ब्रैकेट में गुजरात मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। इसकी कुल लंबाई इट्स टोटल लेंथ 1750 किलोमीटर है, इज 1750 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 1750 किलोमीटर है। देख लिया, अभी से समझ लो पहले। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली पाइपलाइन सर्विस कौन सी है, तो पहली पाइपलाइन तो बहुत सारी बनी है, लेकिन मैंने एक शब्द जुड़वाया क्या, अंतरराज्य।
इंटर स्टेट, एक स्टेट से जो दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, बात उसकी हो रही है। तो नाम क्या है? एच वी डी। एच का मतलब है हजीरा, बी का मतलब है विजयपुर, और जे का मतलब है जगदीशपुर। कहीं कहीं इसे विजयपुर बोला जाता है, कहीं कहीं इसे विजयपुर बोला जाता है। तो अगर मान लिया आप यहाँ बी भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो बी ही लिखा मिलेगा। तो इन चीज़ों में कन्फ्यूज मत हो, क्योंकि लॉजिकल बात नहीं है। तो ये विजयपुर लिखा है मैंने, कायदे में तो बी आना चाहिए, लेकिन जब पढ़ते हैं तो बी ही पढ़ते हैं। तो एच बी जे, ये तो इसके मायने हो गए। और फिर मैंने लिखवाया ये कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक है। तो मैप में जाओ, जब गुजरात से उत्तर प्रदेश में आना चाहोगे तो बीच में मध्य प्रदेश तो जरूर पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिना मध्य प्रदेश से दूसरा कैसे आ जाओगे उत्तर प्रदेश? नहीं आ सकते। तो ये जो हजीरा है पहला, ये कहाँ है? गुजरात में। फिर ये कहाँ है? और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश। इस तरह से पाइपलाइन आई है। ऐसे याद मत करो ये कहाँ ये कहाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ एच बी जे। फिर मैंने क्या कहा, गुजरात से उत्तर प्रदेश तक, तो बीच में क्या पढ़ना है? खुद ही आइडिया हो जाएगा। हजीरा कहाँ है? गुजरात। तो विजयपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश। और जगदीशपुर कहाँ है? 1987 में शुरू की गई थी। और लंबाई है इसकी, ये तो ज्योग्राफी का टच आ गया। अब करंट इवेंट्स में ये नाम आया, अभी एक दो पाइपलाइन और भी आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद लिखो दो चार लाइन काम की, लिखे इसी हेडिंग में नेक्स्ट लाइन में। 5 जनवरी 2021 को ऑन 5 जनवरी 2021 कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन सेवा शुरू की गई। कोच्चि मंगलुरु वाज स्टार्टेड, पाइपलाइन सर्विस वाज स्टार्टेड। इसकी लंबाई, इट्स लेंथ 450 किलोमीटर है, इज 450 किलोमीटर। तथा इसका निर्माण, एंड दिस वाज स्टार्टेड बाय गेल के द्वारा किया गया है, बाय गेल, GAIL, गेल के द्वारा किया गया है। हाँ जी, तो इसकी लंबाई कितनी लिखवाई मैंने? 450 किलोमीटर। और कौन कौन से जिलों में जा रही है उसकी कोई जरूरत नहीं है, बाकी जो लिखवाया बस ये सफिशियंट है। लगभग 450 किलोमीटर उसकी लंबाई है, और है कहाँ से? कोच्चि से मंगलुरु। डेट क्या है? 5 जनवरी 2021 को शुरू की गई है। और जैसे बताया मैंने यूज़ किया है इसको, मैंने आपको बताया। अब एक नया शब्द आया गेल, तो गेल भी आप समझते ही हो, आप ही समझाओ क्या है गेल। महारतन कंपनी है, अब इन्होंने कहा कि महारतन कंपनी है, फिर आप ही बताओ महारतन कंपनी क्या होती है? जिनका 5,000 करोड़ से ज्यादा। जीएस को सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का यही है कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करते रहो, अपना भी आंसर आते रहे, लेकिन वो काम तभी होता है जब स्टूडेंट बहुत अच्छे हों, तब बहुत अच्छा होता है। जिसको इस तरह से पढ़ना है पढ़ाना। खैर अब इन्होंने कहा, जो नहीं समझते बच्चे वो देख लो, इन्होंने कहा कि महारतन कंपनी है। पहले तो मेरे इसकी फुल फॉर्म बताओ, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे ना पता हो लिख लो।
थोड़ा सा मैं बीच में बताता रहता हूँ आपको कि हमारे देश में क्या होता है कि कंपनियों को और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उन्हें कैटेगराइज वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। सबसे पहले होती है मिनी रत्न कंपनी, कौन सी मिनी रत्न, फिर होती है नवरत्न और फिर होती है महारत्न। ठीक, तो जो जितना ग्रो करती रहती है उसे गवर्नमेंट की तरफ से उतनी ही हेल्प मिलती रहती है। धीरे धीरे फाउंडेशन खत्म हो जाती है, अपने डिसीजन खुद ले सकती हैं। पहले स्टेट के अंदर व्यापार होगा, फिर देश के अंदर होगा, फिर फॉरेन कंट्रीज में भी होगा। तो जैसे नाम है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो गैस सेक्टर में जितना भी काम होगा वो सब इसी के द्वारा होगा। और ये महारत्न कंपनी है, जैसे मैंने बताया बहुत सारी शर्तें होती हैं महारत्न कंपनी बनने के लिए। उनमें से एक शर्त यह है कि अगर एक कंपनी अपना नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से ऊपर कर लेती है तो महारत्न कंपनी बनने की जो पहली फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर लेती है। अगर इससे नीचे रहोगे तो कहाँ हुआ नवरत्न में, फिर उससे भी नीचे हो तो कहाँ है मिनी। इस तरह से कैटेगरी होती है इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये तो गेम है। ये जो पहली थी HBJ, ये भी गेल नहीं बनाई थी। ठीक है, ये भी गेल के द्वारा बनाई गई है। और ये जो कोची मंगलुरु वाली है ये भी गेल के द्वारा ही बनाई गई है। एक कंपनी है NTPC, उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अभी लिखो मैं तभी तो वैसे ही पूछ रहा हूँ। एक है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। एक है ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इस तरह से ये पहले 7 थी, अब तो एक दो और भी आ गई हैं। क्या है महारत्न कंपनी की लिस्ट है पूरी जो आपको इकोनॉमिक्स में बताया जाएगा। अगले हैंड आ ली फिलहाल, डोभी दुर्गापुर पाइपलाइन योजना। डोभी दुर्गापुर ये भी पाइपलाइन योजना है। इसमें भले ही आपको डोभी का ना पता हो कि डोभी कहाँ है, दुर्गापुर का तो पता होगा शायद। दुर्गापुर कौन से स्टेट में है ये मुझे, मैं क्यों कह रहा हूँ कि पता होगा क्योंकि ज्योग्राफी में बात आती रहती है। डोभी तो कभी नहीं सुनते मोस्टली, लेकिन ये तो सुनते रहते हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये जो दुर्गापुर है कहाँ है? वेस्ट बंगाल। अब जैसा अभी आपने बताया गुजरात, तो थोड़ा सोचो ये पाइपलाइन है, इतनी लंबी पाइपलाइन नहीं हो सकती। कहाँ गुजरात और कहाँ पश्चिम बंगाल, तो इसके आसपास की मामला है। और ये है बिहार, ये कहाँ है बिहार, लिख लो। फिर इसके बारे में जो 2-3-4 इम्पोर्टेंट है वो लिखवा दो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिएगा 7 फरवरी 2021 को ऑन 7th Feb 2021, 7 फरवरी 2021 को मोदी जी के द्वारा, बाय मोदी जी, यह योजना हल्दिया में शुरू की गई। दिस पाइपलाइन वॉज स्टार्टेड एट हल्दिया, HALDIYA, हल्दिया। हल्दिया बताओ कहाँ है? ये भी पश्चिम बंगाल है, पहले लिख दो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ये हल्दिया वहाँ पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, जैसे नेशनल हाईवे होते हैं नेशनल हाईवे, ऐसे ही होते हैं वाटर हाईवे, वाटर वे बोल देते हैं, वाटर नेशनल मार्क बोल देते हैं। जैसे नेशनल हाईवे क्या बोलते हैं NH, तो वहाँ क्या बोलेंगे NW, क्या बोलेंगे। तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि एक जो है नेशनल हाईवे कहाँ शुरू हुआ है, हल्दिया से शुरू हुआ। तो हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक, वो भी सब पढ़ेंगे फिलहाल। अगर देखिएगा इसकी लंबाई 348 किलोमीटर है, इट्स लेंथ इज 348 किलोमीटर। इसकी लंबाई 348 किलोमीटर है,
तथा यह पाइपलाइन एंड दिस पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का हिस्सा है, इज ए पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, ऊर्जा गंगा परियोजना का हिस्सा है। इसमें बिहार तथा झारखंड के लगभग 10 जिले शामिल हैं एंड 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड आर इन्वॉल्व्ड। इसमें बिहार तथा झारखंड के 10 जिले शामिल हैं। तथा इसकी लागत एंड इट्स एस्टिमेशन, इसकी लागत लगभग 2400 करोड़ है, इज अप्रोक्स 2400 करोड़, लगभग 2400 करोड़ है, ब्रैकेट में गेल के द्वारा, बाय गेल GAIL। बस ये काम की बात है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, कोची और मंगलोर पढ़ा, अब है डोभी और दुर्गापुर। डोभी कहाँ बताया, बिहार में, और दुर्गापुर कहाँ बताया, इसके लिए यही पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 348, याद ना रहे 350 याद रखो, उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, अपने हिसाब से मैनेज कर लिया करो। लागत जो इसमें आएगी वो है 2400 करोड़, और बनाएगा कौन, गेल ही बनाएगा। ये इसमें काम की बात थी। अगला हेड डालिए, लाइट हाउस योजना, लाइट हाउस स्कीम, LIGHT, लाइट हल्के घर। लाइट हाउस योजना, इसमें लिखिएगा, इसका पूरा नाम, इट्स फुल नेम LHP है, इज LHP, ब्रैकेट में लाइट हाउस प्रोजेक्ट, लाइट हाउस प्रोजेक्ट। छह राज्यों के लिए, 4-6 स्टेट, छह राज्यों के लिए, 4-6 स्टेट, छह स्थानों पर, एट 6 places, छह स्थानों पर, छह प्रकार की प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा, 6 types of technology would be used, छह प्रकार की प्रौद्योगिकी, छह प्रकार की प्रौद्योगिकी। का प्रयोग किया जाएगा। अभी एक शब्द आया हिंदी में प्रौद्योगिकी, उसकी वर्तनी लिखो, जरा कैसे लिखूं, छोटी की बड़ी की मात्रा बनाऊं, क्या पे सही लिखा, जब हिंदी पढ़ाया जाए क्या बताया जा? ये जो संयुक्त वर्ण है अलग अलग लिखोगे, ये किसका संयुक्त रूप होता है, दे का और ये का, तो दे अलग, ये अलग, और दे के नीचे अलग, तो अब इसकी वर्तनी ऐसे लिखना है आपको, बुक वगैरह में ऐसे लिखी मिलेगी, पर आपको ऐसे लिखना है। प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा, मैं सेंटेंस बोल दिया। यह योजना, दिस स्कीम,
जीएसटीसी के द्वारा शुरू की गई है, रजिस्टर्ड बाई जीएसटीसी, जीएसटीसी के द्वारा शुरू की गई है। इसका पूरा नाम लिखो, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज। इसी आगे में नेक्स्ट लाइन में, अगरतला बताओ जी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया फिर। अगरतला जो है किसी की राजधानी है, किसकी? त्रिपुरा की। तो बैंगलोर को त्रिपुरा, और इसके आगे आप अपना लिख दो न्यूजीलैंड। नंबर टू, रांची, इसकी राजधानी है झारखंड, रांची झारखंड। इसका आगे लिख दीजिए जर्मनी, नंबर थ्री इंदौर, इसकी राजधानी है शहर कहाँ का? मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? कौन सी? भोपाल। इसका लिख दीजिए चीन, चाइना। नंबर चार लखनऊ, यूपी। कर लीजिए कनाडा। इसके बाद लिखिएगा राजकोट, राजकोट कहाँ है? राजकोट भी है मध्य प्रदेश में। इसका भी लिखिएगा फ्रांस। नंबर छह है चेन्नई, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका लिख दीजिएगा फिनलैंड तथा अमेरिका, फिनलैंड तथा अमेरिका। लिख लीजिए नाम। इसका अगला नाम लिखिएगा प्रत्येक स्थान के लिए, फॉर एवरेज प्लेस अधिकतम अवधि मैक्सिमम ड्यूरेशन 12 महीने है, इज फॉर 12 मंथ्स। नेक्स्ट लाइन, प्रधानमंत्री जी के द्वारा बाय प्राइम मिनिस्टर 2019-20 वर्ष 2019-20 ईयर 2019-20 वर्ष निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया था, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर वाज अनाउंस्ड। निर्माण प्रौद्योगिकी
2019-20 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया गया था, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ईयर वाज अनाउंस्ड। नेक्स्ट लाइन, एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, ए कोर्स वाज स्टार्टेड। एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, इसका नाम, इट्स नेम नवरीति है, एन ए बी ए आर आई टी आई एच। बोर्ड पे देख लेना, स्पेलिंग लिख रखी है, नवरीति है, लिख लिया। इसी के आगे एरो बना के सब पूरा नाम लिखो, न्यू एफोर्डेबल न्यू, एन ई डब्ल्यू न्यू एफोर्डेबल, ए डबल एफ ओ आर डी ए बी एल ई, न्यू एफोर्डेबल कोमा वैलिडेटेड वी ए एल आई डी ए टी ई डी वैलिडेटेड कोमा रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी रिसर्च R E S E A R C H रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग देख लिया। लो देखो अभी इधर समझो, हेडिंग क्या था, लाइट हाउस। तो लाइट हाउस मतलब क्या हो गया, हल्के घर, है ना। तो जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग शहरों में कंस्ट्रक्शन वगैरह होती रहती है और घर बनते रहते हैं, तो इनमें लाइट हाउस मतलब यह है कि बहुत ही कम मात्रा में जो सामग्री है उनका इस्तेमाल तो कम से कम किया जाएगा। नई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है भारत के अंदर, ताकि कम लागत में कम समय में और एक अच्छे घरों की मरम्मत सहित, जो कहते हैं ना भूकंप रोधी, मतलब अगर भूकंप भी आए तो भी ज़्यादा प्रभाव ना डाल पाए, बहुत ही कम लागत में एक घर बन जाए। तो एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसे क्या गया है, LHP लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो ये बात होगी कि इस प्रोजेक्ट में, इस स्कीम में क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कम लागत में हल्के घर बनाए जाएंगे नई टेक्निक का प्रयोग करके, ठीक है। अभी आंकड़ा है इसके लिए 666, मतलब 6 तो क्या हो गए, राज्य हो गए, उनके 6 स्थान और उनमें 6 नई टेक्नोलॉजी, ये इसका मतलब होगी, ठीक है। ये मैंने फिर हिंदी का वर्ड लिख के दिखाया आपको, GSTC के द्वारा ये काम किया जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म क्या बताई, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी, इसके अंदर में काम किया जा रहा है। और ये जो 6 स्थान छाटे गए हैं वो ये है, नंबर 1 है अगरतला, तो अगरतला जो है राजधानी भी है कहाँ की, त्रिपुरा की। तो इसमें जिस देश से टेक्नोलॉजी शिफ्ट होगी वो क्या होता है, न्यूजीलैंड। तो होता क्या है, कोई भी काम करना हो करवाना हो सब टेंडर छूटते हैं, तो गवर्नमेंट सब टेंडर छोड़ देती है, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम। तो अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनी उस टेंडर के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन सबमिट करती है, फिर गवर्नमेंट को जो लगता है कि जो कम बजट में अच्छी टेक्नोलॉजी अच्छी क्वालिटी देगा उसे वो टेंडर दे दिया जाता है, मिल जाता है। तो इसे मिला है न्यूजीलैंड में, दूसरा क्या है, रांची, कहाँ की बात हो रही है, झारखंड, ये है जर्मनी। तीसरा है इंदौर मध्य प्रदेश, ये चाइना की कंपनी ले गई, इसका बहुत ही शोर शराबा भी हुआ था जब ये हुआ था, अभी बताता हूँ कैसे हुआ। लखनऊ कनाडा, राजकोट और चेन्नई फिनलैंड और अमेरिका। यहाँ पे एक बेसिक सा क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का, फिनलैंड को किस उपनाम से जाना जाता है, झीलों का देश। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो झील है लेक्स
वो कहाँ है? फिनलैंड है। तो इसे झीलों का देश कहा जाता है, कंट्री ऑफ लेक्स। ठीक, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। और एक दिमाग में मेरे और आ रहा है, वो ये है कि जो ये मोबाइल कंपनी थी कौन सी, नोकिया, जो अब नहीं है, वो फिनलैंड की थी। नोकिया जो सुना होगा, वो कहाँ की थी? फिनलैंड। तो ये हमें छः के छः नाम याद रखना है। तो अब मैं कह रहा था ये वर्ड्स, क्योंकि इस समय तो हिंदुस्तान और चाइना बहुत ही एंटी हैं एक दूसरे की। तो ये क्या हो रहा है? हो ये रहा है जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या डायरेक्शन देता है, वो डायरेक्शन ये देता है कि एक कंट्री के दूसरी कंट्री से चाहे कैसे भी वाद विवाद रहे हो, लेकिन एक कंट्री दूसरी कंट्री को बैन नहीं कर सकती, ना इंपोर्ट के मामले में, ना एक्सपोर्ट के मामले में, ना किसी और मामले में। जो भी आपको अपने मतभेद हैं वो अपनी योग्यता को साबित करो और उसे दूर करने का प्रयास करो। बैन नहीं कर सकते, ना ही चाइना में कर सकता है। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि चाइना में और इंडिया में जो व्यापार है वो कौन ज़्यादा कर रहा है, तो ऑब्वियसली चाइना ही कर रहा है अभी भी, है ना। अगर मैं छोटे मोटे आंकड़े बताऊँ आपसे, तो इंडिया जो कर पाता है लगभग 15-20 के आसपास है, ठीक, और जो चाइना है वो होता है 50-60 के आसपास। ये बिलियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, जो एक साल में होता है लगभग। डैट मीन्स उसकी माल की खपत हमारे यहाँ ज़्यादा है, लेकिन हमारा माल वहाँ इतना ज़्यादा नहीं बिकता। ये तो बात हुई। तो हर साल हमारे यहाँ क्या हो जाता है, फिर लॉस हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट। क्या बोलते हैं? जिसे हिंदी में कहते हैं घाटा, ठीक है। तो वो हो जाता है, और जब एक देश का घाटा बढ़ता रहेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो करेंसी है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी भी वो कम होती चली जाती है, फर्क पड़ता है, इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। अब ये जितने भी प्रोजेक्ट थे, इन सभी में चीन की कंपनियां थी, एक एक नहीं थी, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 कंपनियां थी सभी में। लेकिन इन सभी में तो प्रोजेक्ट किसे मिला? इन लोगों को। लेकिन यहाँ चाइना की कंपनी ने बाजी मार ली। तो जब ये हुआ था काम, न्यूज़पेपर में काफ़ी हाल हुआ था कि मोदी गवर्नमेंट वैसे तो मतलब एंटी है, लेकिन फिर भी चाइना को क्या दे रही है, प्रोजेक्ट दे रही है। ये काफ़ी हाउल्ला हुआ था। तो फिलहाल ये याद रखना बच्चों आपको। और ये क्वेश्चन ये है, मोदी जी ने 2019-20 को कौन सा वर्ष घोषित किया? ये क्वेश्चन आते हैं तो कौन सा किया? निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष, ठीक। और फिर एक ये नया पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, सर्टिफाइड कोर्स शुरू किया गया है। इसका पूरा नाम तो ये है, फुल फॉर्म मैंने लिखवाई है, तो नव रीति बोल सकते हो हिंदी में। तो क्या बोल सकते हो? नव रीति का मतलब क्या हो गया? नई रीति, एक नई रीति, एक नया मेथड शुरू किया गया है। पूरा नाम मैंने आपको लिखवाया है, एक बार रिकॉल करूँ। एन से क्या है? न्यू। ए से एफोर्डेबल। तो एफोर्डेबल मतलब क्या है, जो हर कोई एफोर्ड कर सके। और बी से वैलिडेटेड, लेकिन वैलिड भी रहे, मतलब क्वालिटी हो। फिर रिसर्च, तो वैलिड से बी आ रहा है, दोनों ले रखे हैं वैलिड। और फिर रिसर्च, फिर आई से इनोवेशन, टी से टेक्नोलॉजी, फोर इंडियन हाउस। तो इस तरह से पाठ्यक्रम शुरू किया गया है ताकि जो बच्चे इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं वो आए और एक तरह से सर्टिफाइड कोर्स कर सकें और फिर आगे इस में नॉलेज बढ़ा सकें, गेन कर सकें। मदद के लिए सब आए नहीं है, टेक्नोलॉजी देंगे अपनी, कोई कोई भी काम अगर होगा तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी होगा आज की तारीख में, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो, बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कोई काम नहीं हो रहा है इस मामले। तो यह है बच्चों क्या, LHP लाइट हाउस प्रोजेक्ट। बस आज ध्यान दीजिए।